जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद यादव जी के चलने वाली नहीं है इस बार ये उपचुनाव, भाजपा वाले हारने वाले हैं, ऐतिहासिक वोटों से हारेंगे। इसलिए मन बनाइए आप लोग, मन बनाया हुआ पक्का कि नहीं बनाया मन आपने, और सावधान रहकर के मतदान करोगे कि नहीं करोगे। अगर आपको एक बार रोके तो दोबारा वोट डालने आओगे कि नहीं आओगे आप, और दोबारा रोके आपको तो तीसरी बार डालने आओगे नहीं आओगे। हम भी आपके बीच में रात में आए और आप भी इंतजार करते रहे, बताओ इतना इंतजार करोगे वोट डालने के लिए कि निकलोगे। और इन्होंने तो नोटबंदी में हमें आपको लाइन में लगवाया, डीएपी के लिए लाइन में लगवा रहे हैं, बताओ वोट डालने के लिए लाइन में लगाओगे कि नहीं लगाओगे। अब चुनाव में कुछ समय तो बचा नहीं है, उपचुनाव में कितना दिन है बताओ, अब तो कुछ भी नहीं बचा है। 20 तारीख को मतदान होना है, और याद कीजिए 13 तारीख को मतदान होना था, ये 13 तारीख का मतदान इन्होंने 20 तारीख का कर दिया, ये चुनाव टाला इन्होंने। और ये चुनाव इसलिए टाला इन्होंने क्योंकि त्योहार के समय पर बहुत सारे लोग छुट्टी लेकर के आए थे, अपना त्योहार मनाने आए थे। इस त्योहार में खुशियां नहीं मनाई गई क्योंकि महंगाई इतनी थी, इतनी परेशानी में त्योहार मनाया लोगों ने, महंगाई को लेकर के बहुत परेशानी थी। जो दूर दराज नौकरी रोजगार कर रहे थे दूसरे प्रदेशों में, देश के दूसरे हिस्सों में, वो इस बार उत्तर प्रदेश आए थे त्योहार के समय पर। कई लोगों ने अपनी छुट्टियां बढ़वा ली कि 13 तारीख को वोट डाल करके जाएंगे, और जो छुट्टी बढ़ाने की भनक उन्हें पड़ गई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि ये 13 तारीख को वोट डालेंगे और हरा देंगे बीजेपी को, तो इन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी और 20 तारीख कर दी। जो चुनाव टालेंगे वो हारेंगे। बताओ पहलवान मैदान से वही भागता है जो कमजोर होता है, यहाँ तो पहलवान होंगे कुछ, हमें दिखाई दिए थे अभी पहलवान, कौन मैदान छोड़ता है बताओ, जो हारने लगता है। बताओ बीजेपी हारी हुई है पार्टी का नहीं हारी हुई है, और ये पीडीए की एकजुटता से बहुत घबराए हुए हैं, जब से पीडीए की बात चली है बहुत घबराए हुए हैं ये लोग। इसे मदद करो आप सब लोग मिलकर के, मदद करोगे आप लोग, और हमारे मुख्यमंत्री जी तो वैसे उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, जिन्हें अपने भाषा पे संतुलन रखना चाहिए था वो बताओ अपनी भाषा ही बदल दिए हैं, जिन्हें मृदुभाषी होना चाहिए था बताओ कितने कटुभाषी हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोल जा रहे हैं, जिन्हें सत्य वचन देने चाहिए वे बताओ झूठ का प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे प्रचार। और अभी जब नौजवानों को धरने पर देखा इन्होंने, पहले तो कोशिश की कि धरना इनका खत्म करा दें, लेकिन एकजुटता देख करके, नौजवानों की एकजुटता देख करके ये घबरा गए, इन्हें स्वीकार करनी पड़ी छात्र नौजवानों की मांग। अभी कुछ ही नौकरी मिलने जा रही है, ये नौजवानों को हम कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नौकरी नहीं है, और नौकरी एजेंडे में इसलिए नहीं है क्योंकि आरक्षण इनके एजेंडे में नहीं है, इसीलिए जानबूझ करके ये नौकरियां उलझाते हैं, क्वेश्चन पेपर को बदलते हैं, गलत क्वेश्चन जारी करवाते हैं, और अगर नौकरी मिल भी जाए तो ये जाकर के कोर्ट में उलझवा देते हैं नौकरी, जिससे नौजवान को नौकरी न मिल जाए।
इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, उस समय भी निवेदन किए थे कि जब लोकसभा का चुनाव था, हम लोगों ने कहा देश के संविधान और लोकतंत्र पे खतरा है। मैं अपने तमाम गरीबों को, तमाम हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले, डॉक्टर रामनाथ लोहिया के विचारों को आगे बढ़ाने वाले और नेताजी का संघर्ष याद करने वालों को कहना चाहता हूं, जब तक उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी है तब तक संविधान को खतरा रहेगा, हमारे लोकतंत्र को खतरा रहेगा। संविधान और लोकतंत्र तभी बचेगा जब उत्तर प्रदेश और देश की सरकार से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। क्या आप नहीं देख रहे जो हमें और आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया, एक वोट डालने का अधिकार जो मिला है। बताओ भारतीय जनता पार्टी तरीके नहीं अपना रही कि रोड में हम इनका वोट, क्या वोट डालने ना जा पाए, तरीका अपना रहे कि कैसे इनको रोक लें, दबाव बना लें। हमारे प्रधान भाई भी लोग होंगे, उन पे भी बहुत दबाव बनाया जा रहा होगा। कोटेदार भाई लोग होंगे, उन पे भी बहुत दबाव बनाया जा रहा होगा। बीएलओ पहले ही हटा दिए, अधिकारी पहले ही साफ कर दिए, लेकिन जनता पूरी तरीके से ईमानदारी से तैयार है इस बार भारतीय जनता पार्टी का हिसाब किताब और उनको सफाया करने का। क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव जीता हुआ हम तिगड़म की वजह से, दबाव की वजह से नहीं जीत पाए। याद होगा लोकसभा चुनाव भी हम लोग जीत गए थे, लेकिन हम लोग सर्टिफिकेट नहीं दिला पाए। बताओ इस चुनाव में हिसाब किताब पूरा करोगे आप के नहीं करोगे? ये जो हमारी बहन लड़ रही, इनका मनोबल बढ़ाओगे आप लोग? अब तो मैं भरोसा करके जाऊं कि इस विधानसभा के लोग डरेंगे नहीं, ना घबराएंगे। बताओ मुख्यमंत्री जी, हमें कहते हैं कि हम माफिया हैं, हमें कहते हैं अपराधी हैं। मुझे लगता है कि वो जब सुबह निकलते होंगे तो आईना नहीं देखते होंगे। सच्चाई है कि सब उन्हीं के साथ है, हम लोगों के साथ कोई नहीं है। इसलिए मदद करो आप सब लोग मिलकर के। जब आपने इतने देर इंतजार कर करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, हमें पूरा भरोसा हो गया है कि ये नौजवान भूखे प्यासे रह करके भी वोट डालने का काम करेंगे। इसलिए डालिए, मदद करिए और ये लोग भी सहयोग करेंगे जैसे अभी सहयोग कर रहे हैं इतनी रात में आपका सब। ये लोग भी सहयोग करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही बात कहकर के जाना चाहता हूं, प्रशासन के लोग ये याद रखें, बड़े लोग ये सब साथ दे रहे हैं, ये जितने लोग ड्यूटी पे हैं ये सब आपकी मदद करेंगे, उस दिन भी ड्यूटी दे करके आपका वोट डलवाएंगे। लेकिन वो बड़े अधिकारी हैं जिन्हें बड़ी कुर्सी चाहिए, मेरा उनसे यही कहना है कि आपकी अपनी सीसीटीवी से तो बच सकते हो, आपकी जो सीसीटीवी है उससे तो बच जाओगे, लेकिन जनता की आंखों में जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा है उससे नहीं बच पाओगे। और जो रिकॉर्डिंग हो गई है इनके अंदर, समय आने पर हम लोग भी वही व्यवहार करेंगे जो आज आप व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए मदद करिए हमारी बहन की, हम लोग कभी भी कानून और संविधान के बाहर जाने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग विकास करने वाले लोग हैं, हम प्रोग्रेसिव लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, मैं एक एक नेता जो हमारी पार्टी के मंच पर बैठे हैं, जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद यादव जी, झल्लू यादव जी, यहाँ के प्रभारी बीरेन्द्र सिंह जी, सांसद